भी बताते हैं कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध पर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हिंदू धर्म के त्योहारों पर ही प्रतिबंध और रोक लगाई जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि नए साल के जश्न में आतिशबाजी होने से वायु प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम तो दीपावली अच्छे से मनाएंगे और इसके लिए सुतली बम भी खरीद लिए हैं। एक साहब ने कहा कि जो है पटाखों से प्रदूषण होता है, 1 जनवरी को इनका ज्ञान फिर गायब हो जाता हैप्पी न्यू ईयर के नाम से पूरी दुनिया में पटाखे होते हैं, तब प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन दिवाली आती है तो प्रदूषण होता है, होली आती है तो पानी खराब होता है और खून खराबा होता है, तब नहीं मानते, तब ये स्टेटमेंट नहीं देते, तब ये मांग नहीं करते, तब ये कानून लाने की बात नहीं करते। ये दो पक्षीय नियम लगाने के जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। और आइए आगे बढ़ते, आपको बताते हैं कि दीपावली में फोड़े जाने वाले पटाखों को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। मुस्लिम धर्म गुरु और IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने पटाखों पर बैन के बयान को लेकर बाबा बागेश्वर को आड़े हाथों लिया है। मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि दीपावली रोशनी का त्यौहार है, ना कि पटाखों और धमाकों का त्यौहार है। उन्होंने कहा है कि आपकी खुशी का इजहार करने में अगर वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है तो वो खुशी का इजहार दरअसल खुशी नहीं कहलाएगी। उन्होंने कहा है कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगे, लेकिन सीमा तय कर दी जाए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर उन्होंने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा के दरवाजे पर सुतली बम मत छोड़िए, एटम बम मार दो। उन्होंने कहा कि आतिशबाजी करके हिंदू समाज अपना और अपने देश का नुकसान कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में हिंदू धर्म गुरुओं को आगे आना चाहिए। बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद के जानवरों की हिफाजत, जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना यह है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। उनका कहना है कि जो पटाखों का कोई भी हो, किसी का भी कहना हो, पटाखों का विरोध करता है उसके यहाँ जाकर सुतली बम बजाए, बिल्कुल सुतली नहीं। अपने भाई मैं तो विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं पटाखों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आतिशबाजी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लिमिट में होना चाहिए। दीपोत्सव को लेकर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीएम योगी की तारीफ की है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि दिन प्रतिदिन दीपोत्सव की भव्यता बढ़ रही है, सीएम योगी और पीएम मोदी की वजह से ये संभव हो पा रहा है। नहीं, बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार का, मुख्यमंत्री जी का एक नया, मतलब नई, जैसे कह लीजिए कि चीज यहाँ को देने के लिए लगातार कोशिश हो रही है और दिन प्रतिदिन इसकी भव्यता बढ़ रही है। और हमको लगता है कि कुछ ऐसा समय आने वाला है कि केवल इस उत्सव को देखने के लिए लोग आया करेंगे। ऐतिहासिक पल है आज, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में फिर से रिकॉर्ड अपना तोड़ेगा अयोध्या ही, लगातार 8 बार तोड़ चुका है, आज 8वां बार से तोड़ेगा, कितना ऐतिहासिक पल मानते हैं इस चीज को। देखिए, एक समय ऐसा आने वाला है कि लोग केवल इस कार्यक्रम को देखने के लिए आएंगे, बहुत अच्छा चल रहा है।